हेलो एवरी वन वेलकम टू अराइव ऑनलाइन क्लासेज दिस इज प्रवीन हेयर आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो जो कि रहने वाला है टॉप हंड्रेड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके टेट एग्जाम में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं और साथ में एन सी आर टी बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं वो हम इस सीरीज़ में करने वाले हैं ये सीरीज़ आपके लिए चाहे आपका सेंट्रल टेट है या फिर कोई भी स्टेट टेट है उसके लिए हेल्पफुल रहेगी मैं बता दूँ आपको साइकोलॉजी के लिए एक हमने बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ भी कंप्लीट की है जिसमें हमने साइकोलॉजी के तकरीबन आई थिंक ट्वेंटी नाइन पार्ट उसमें कंप्लीट कर लिए हैं एक दो जैसे मैंने आपको बोला था कि थर्टी पार्ट सम थर्टी डेज सीरीज़ वो रहेगा उसमें एक पार्ट आपका और आएगा उसमें हमने सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया है और उस सीरीज़ की सबसे खास बात क्या है कि वहाँ पे हमने जो टॉपिक कवर करा है एक तो वो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेकेंड थिंग कि उसमें एन में क्या दिया हुआ है उस टॉपिक के बारे में हमने वो भी वहाँ पे किया है प्लस हमने उसमें क्वेश्चन भी देखे हैं उस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं तो उस सीरीज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या चैनल पे जाइए और प्ले लिस्ट आप चेक करिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा आप अगर तैयारी कर रहे हैं टेट एग्जाम की तो आपके लिए हमारे चैनल पे काफ़ी मटेरियल आपको मिल जाएगा चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा सेल्फ एक्चुलाइजेशन इज़ प्रपोज बाय सेल्फ एक्चुलाइजेशन थ्योरी भी कहा जाता है इसको और हरार्की ऑफ़ नीड के नाम से भी जाना जाता है तो जो अब्राहिम मेस्लो थे मैस्लो का नाम आपने सुना होगा इन्होंने जो है इनके बारे में सबसे पहले दिया है और इन्होंने यहाँ पे पांच बेसिक नीड के बारे में बात की है आगे मैंने क्वेश्चन ऐड किया है इन पांच नीड से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू जे बी वाट्सन साइकोलॉजी इज साइंस ऑफ तो वॉटसन के अकॉर्डिंग साइकोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ बिहेवियर है ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है क्स्ट क्वेश्चन है लॉ ऑफ इफेक्ट वॉज क्वाइन बाय थॉनडेग ने इसको दिया है दो और लॉ भी इसने दिए हैं आगे मैंने क्वेश्चन ऐड करके रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज फादर ऑफ इंडिविजुअल साइकोलॉजी जो इंडिविजुअल साइकोलॉजी अल्फ्रेड एडलर ने दिया है इसको नेक्स्ट इन क्लासिकल कंडीशनिंग फूड इज तो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ से पूछे जाते हैं इवान पेवल के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कहाँ के वो साइंटिस्ट सॉरी साइकोलॉजिस्ट थे तो वो थे रशियन और उन्होंने क्लासिकल में क्या क्या किया है क्या क्या कंसेप्ट दिए हैं उनमें से एक है कि फूड को अनकंडीशनड स्टिमुलस उन्होंने बताया था नेक्स्ट है इनसाइड लर्निंग मॉडल वाज प्रेजेंटेड बाय कोहलर अगला क्वेश्चन ओल्डेस्ट मेथड यूज इन साइकोलॉजी ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार रिपीट हुआ है इंट्रोस्पेक्शन मेथड ये सबसे पुराना मेथड है जिसको यूज किया जाता है साइकोलॉजी में इन स्टेज चाइल्ड बिकम एक्टिव मेंबर ऑफ देयर पीयर ग्रुप पीयर ग्रुप जो होते हैं उनका एक्टिव मेंबर कब बनता है एडोलोसेंस एज में एंड एडोलोसेंस स्टेज जो है डेवलपमेंटल स्टेजेस में से उसमें जो है पीयर ग्रुप का एक्टिव मेंबर होता है नेक्स्ट क्वेश्चन हु प्रोपाउंडेड द थीरी ऑफ हरारकी ऑफ़ नीड अगेन ये रिपेटेड क्वेश्चन है अभी हमने इसको किया मैस्लो की थी नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू प्याजे फर्स्ट स्टेज ऑफ कग्नेटिव डेवलपमेंट इज तो सेंसरी मोटर स्टेज है प्याजे की कग्नेटिव डेवलपमेंट की स्टेजेस से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे हुए हैं ये टॉपिक आप बहुत अच्छे से कर लीजिएगा और इसकी दूसरी स्टेज है प्री ऑपरेशनल स्टेज थर्ड है कॉन्क्रीट स्टेज और फोर्थ है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज यहाँ से मैं आपको बता दूँ किस तरह के और क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे कि कौन सी स्टेज का कौन सा एक करेक्टर रहता है जो मेनली होता है अगर हम जैसे फॉर एग्जांपल कि कौन सी ऐसी स्टेज होगी जिसमें हाइपोथेटिकल थिंकिंग बहुत जो है एक उच्च स्तर की जो उसकी सोच होती है उसको अप्लाई करेगा अपने किसी भी कंसेप्ट को सॉल्व करने में तो वो फॉर्मल ऑपरेशन हो जाएगा तो इन स्टेजेस से रिलेटेड हर एक पॉइंट आप अच्छे से पढ़ लें ऐसे क्वेश्चन देखे गए जो घुमा फिरा के पूछे हुए हैं वो यहाँ से प्याजे की थीरी से आपको देखने को मिलेंगे हु गेव किंडर गार्डन मैथड प्रॉबिल ये क्वेश्चन भी किंडर गार्डन मैथड भी बहुत बार यूज हुआ है बहुत बार आपका पूछा गया है पेपर में फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी सेटअप एट तो ये लिप्जिक जर्मनी में बनाई गई थी ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ है अगला क्वेश्चन देखिए कंडीशनड स्टिमुलस यहाँ पे आप नोट कर लीजिए जैसे जो एक्सपेरिमेंट था पैब्लव का तो पैबलव ने क्लासिकल कंडीशनिंग में बताया कि जो क्लासिकल uh, कंडीशनिंग में यहाँ पे ये सी एस स्टैंड फॉर कंडीशनड स्टिमुलस बेल उसके जो एक्सपेरिमेंट था उसमें बेल बजाना कंडीशन थी ठीक है वो एक स्टिमुलस देना था डॉग को फिर उसकी वजह से स्लाइवेशन हुआ जब उसने फूड को देखा तो जो फूड उसको दिखाया गया था वो अनकंडीशनड स्ट्यूमलस था ठीक है बाद में फ़ूड को हटा दिया गया था तो अगर वो कंडीशनड होता तो वो पूरे प्रोसेस में पूरे थ्योरी के दौरान या पूरे एक्सपेरिमेंट के दौरान रहता इसलिए इसको अनकंडीशनड स्ट्यूमलस के अंदर लिखा गया है फिर सिलाईवेशन की बात की जाए तो दो चीज़ें हैं इसको ध्यान रखना आपने अगर आपसे पूछा जाए स्लाइवेशन आफ्टर एक्सपेरिमेंट तो आफ्टर एक्सपेरिमेंट जैसे ही डॉग को बेल सुनाई देता था उसे पता है फूड आएगा तो उसको स्लाइवेशन पहले ही हो जाता था मतलब वो बन गया आपके पास कंडीशन रिस्पॉन्स जो उसका रिस्पॉन्स आ रहा है लेकिन जब तक उसको नहीं पता था कि फूड आएगा बेल बजी पहली बार मान लीजिए कि बैलबजी दूसरी बार दो तीन बार ऐसा हुआ तो उसको स्लाइवेशन नहीं हुआ ज, जब उसको ये पता चल गया कि बैल के बाद फूड आएगा जैसे रिपीट किया उन्होंने दस बारह बार ये एक्सपेरिमेंट रिपीट किया तो उसको पता लग गया जब उसको पता लग गया तो उसका कंडीशनिंग हो गया जब पता नहीं था तो अनकंडीशन रिस्पॉन्स था तो सिंपल सा क्वेश्चन कि ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट आफ्टर द एक्सपेरिमेंट क्या पूछ रखा है वो ध्यान से पढ़ लीजिएगा ये इंपॉर्टेंट है पूरे एक्सपेरिमेंट को अगर आप पढ़ते हो थ्योरी को पढ़ते हो तो आपके पास इसका अच्छा कंक्लूजन आ जाएगा चलिए देखिए वीडियो हंड्रेड क्वेश्चन का है तो ऑब्वियसली लंबी रहने वाली है और आप इसको पूरा ध्यान से सुनिए और पूरी वीडियो में कोई भी पॉइंट स्किप मत कीजिए अगर आप टॉप हंड्रेड क्वेश्चन कर रहे हैं तो हंड्रेड के साथ आपको बीस पच्चीस तीस क्वेश्चन और एडिशनल मिल रहे हैं अच्छा क्वेश्चन बैंक आपको हेल्प करेगा लास्ट टाइम पर भी आप क्रैक कर सकते हैं अपना साइकोलॉजी पोर्शन चलिए नेक्स्ट है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग ऑफ लैंग्वेज इज मॉरफीम ये जनरल क्वेश्चन एक दो तीन बार रिपीट हुआ है इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब क्या होता है तो सभी के लिए एक स्थान पे बराबर शिक्षा देना ये इंक्लूसिव एजुकेशन का कंसेप्ट है इवान पेवलव वॉज अ रशियन साइकोलॉजिस्ट ये भी रिपीट क्वेश्चन हुआ है क्रिएटिव स्टूडेंट्स आर बहुत बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन क्रिएटिव जो स्टूडेंट्स होते हैं वो डाइवर्जेंटली सोचते हैं डाइवर्जेंट थिंकर होते हैं अगला क्वेश्चन अब देखिए कई बार आपको आई क्यू निकालने के लिए आता है और ये क्वेश्चन भी आप समझ लीजिए कि काफ़ी बार रिपीट होता है क्रोनोलॉजिकल एज दी हुई है और आपको यहाँ पे दी यहाँ पे थोड़ा सा घुमाया हुआ है क्वेश्चन देखिए क्रोनोलॉजिकल एज टेन इयर्स चाइल्ड सक्सेसफुली कम्प्लीट द टेस्ट आइटम ऑफ फोर्टीन इयर्स यानी कि उसकी मेंटल एज है ये मेंटल एज या तो डायरेक्टली लिखा होता है तो आप फॉर्मूला लगाएंगे एम ए अपॉन सी ए इन हंड्रेड इसको पुट करिए और खुद इसका आप आंसर निकालिए ऐसे क्वेश्चन आप जरूर दो चार प्रैक्टिस करके जाएं अगला क्वेश्चन है टी ए टी ये जो है थे दिया था मूरे एंड मॉर्गन ने दिया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है हु इज फादर ऑफ कंडीशनिंग अगेन रिपीटेड क्वेश्चन इवान पैब्लम ने इसको दिया था हुक्टर एंड पर्सनैलिटी पॉन्सके ने इसको लिखा था नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिएटिविटी मीन्स क्रिएटिविटी किससे जुड़ी हुई है डाइवर्जेंट थिंकिंग से जुड़ी हुई है जुविनाइल जो एलिकुनस होते हैं वो कौन होते हैं ऐसे इंडिविजुअल जिनकी उम्र जो है अट्ठारह साल से कम होते हैं अगला है एजुकेशनल क्वेश्चन एक तो आपको आई है ठीक है इंटेलिजेंट क्वेश्चन एक एजुकेशनल तो दोनों का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है ये फॉर्मूला भी आपसे पेपर में पूछा जा चुका है कोहलर डेवलप्ड कोहलर ने कौन सी थी डेवलप करी है इनसाइड साइड ऑफ लर्निंग नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है वुंट इसके फादर हैं एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के पनिशमेंट इज पनिशमेंट एक री नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन एन आइडियल टीचर शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन देखिए इस तरह के क्वेश्चन भी आपको जो बिल्कुल जर्नल किसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है ये लेकिन पूछा जाता है टीचर शिक्षक कैसा हो या अधिगम के समय कोई आपको पर्टिकुलर कंडीशन स्थिति दी गई होगी उसको अच्छे से समझना है तब जाके आंसर करना है एक चीज़ का ध्यान आपने रखना है कि आपने आंसर करते टाइम जो स्टूडेंट है उसके अपोजिट वो स्टेटमेंट ना हो ऐसी स्टेटमेंट आपने टेक नहीं करनी है तो एक आइडियल टीचर उसे माना जाएगा जो कॉन्सनट्रेट करे अपने टीचिंग मैथड पर सब्जेक्ट जो वो पढ़ा रहा है उस पर ध्यान दे स्टूडेंट्स पर भी ध्यान दे और स्टूडेंट्स का जो बिहेवियर है क्लासरूम रूम पर उस पर भी वो ध्यान दे अगला क्वेश्चन है पर्सनैलिटी हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम वर्ड किस वर्ड से लिया गया है परसोना से नेक्स्ट क्वेश्चन द काजेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेज यहाँ पे क्वेश्चन इसको नंबरिंग नहीं मिली है द काजेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेज आर तो इंडिविजुअल डिफरेंसेज हेरिडिटी की वजह से भी हो सकते हैं जो हमें करेक्टर हमारे पेरेंट्स से मिले हैं आनुवंशिकता और जो वातावरण है जो एनवायरमेंट है उसकी वजह से भी हो सकता है अगला क्वेश्चन है रेंज ऑफ नॉर्मल इंटेलिजेंस यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आपको जो एक आईक्यू का टेबल दिया हुआ है वो आप ज़रूर पढ़ लें और आप एन का ही पढ़ें कई बार क्या होता है कि रेंज कहीं पे कुछ और दे दी गई होती है तो बेटर है कि जो वैलिड है एन का ही जो है मानेंगे आपके जो एग्ज़ामिनर हैं तो ज़रूर आप एन का और हमने भी वीडियो सीरीज़ में जब आई का ये टॉपिक किया है तो मैंने आपको एन का ही ये टेबल करवा रखा है चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे नॉर्मल नाइन्टी टू वन जीरो नाइन टू फैक्टर थीरी ऑफ इंटेलिजेंस बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है स्पीयरमैन ने दिया है थीरीज ऑफ़ इंटेलिजेंस सारी ही इंपॉर्टेंट है इसको भी आप जरूर करके जाइएगा ये भी हमने उस सीरीज़ में कंप्लीट किया है आई क्यू ऑफ गिफ्टेड स्टूडेंट अब यहाँ पे इसका आंसर मैंने नहीं लिख रखा है ये क्वेश्चन आपके लिए है जो गिफ्टेड स्टूडेंट होंगे उनका आई क्यू क्या होगा सबसे ज़्यादा से भी ज़्यादा तो कितना हो सकता है यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन ये क्वेश्चन रिपीट मोरेन मॉर्गन ने दिया है ये काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन आगे हाईएस्ट नीड अज्यूम्ड इन मेस्लो थ्योरी तो ये है कुछ नीड्स यहाँ पे लिख रखी है फाइव नीड्स के बारे में इन्होंने दिया है देखिए यहाँ पे बेसिक से एडवांस जाते हैं सबसे पहले साइको जो आपकी फिजियो फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं सबसे पहले दूसरा सेफ्टी नीड है टेक्स्ट आई थिंक आपको विजिबल होगा अच्छे से दूसरी सेफ्टी नीड तीसरी आप लिखेंगे बिलोंगिंगनेस नीड्स और फोर्थ है स्टीम नीड्स और फिफ्थ है सेल्फ एक्चुलाइजेशन नीड्स ये आपकी एनसीआर में से है डेटा तो वेलिड है आगे देखिए क्वेश्चन कोहलर डेवेल्प इन साइड थीरी ऑफ लर्नर बहुत बार लर्निंग के लिए बहुत बार ये थीरी रिपीट हुई है प्रोजेक्ट मेथड वाज गिवन बाय ये क्वेश्चन भी काफी बार रिपीट हुआ है किल पैट्रिक ने दिया है गिफ्टेड स्टूडेंट आर तो गिफ्टेड स्टूडेंट कैसे थिंकर होते हैं सोचिए हम इसको मैं अभी बता चुकी हूँ आपको रिलेटेड क्वेश्चन अब आगे फिर से एक क्वेश्चन आया हुआ है एन आइडियल टीचर इज वन हु तो वो कैसा है वो फ्रेंडली फ्रेंड friend हो फिलोसफर हो और गाइड हो ये ये स्टेटमेंट भी आपके पेपर में आया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन लर्निंग डिसेबिलिटी इन द कैलकुलेशन तो उसको हम क्या बोलते हैं डिसकैलक्यूआया बोलते हैं ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है आगे है एन एग्जाम्पल ऑफ फाइन मोटर स्किल्स राइटिंग तो जब हम छोटी छोटी मसल्स का यूज करते हैं तो फाइन मोटर्स उनको हम बोलते हैं मसल्स का उन मसल्स के यूज से हम कोई कार्य कर रहे हैं तो वो आ जाएगा फाइन मोटर स्किल्स के अंदर ठीक है बड़ी मसल से हम कुछ काम करते हैं जैसे साइकिलिंग कर रहे हैं लेग्स की मसल यूज हो रही है तो ग्रॉस मोटर्स हम उनको बोलते हैं ठीक है नेक्स्ट है क्वेश्चन अ चाइल्ड इज बोर्न विद सम तो एक बच्चा अपने नेट कैपेसिटी या नेट ड्राइव उसके जन्मजात से ही उसके अंदर कुछ गुण होते हैं उसके साथ वो पैदा होता है अगला क्वेश्चन डिसलेक्सिया इज एसोसिएटेड विद रीडिंग वेरी टाइम्स रिपीटेड क्वेश्चन हु क्रिएटेड द कंसेप्ट किंडर गार्टन अभी हमने बताया किसने किया था फ्रॉबेल ने चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन वॉज एडवोकेटेड बाय तो जॉन डुई ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है जॉन डुई ने इसको दिया हुआ है देखिए अब तक देख आपके कितनी बार टैट हो चुके हैं तो ये हंड्रेड क्वेश्चन मोस्टली वही क्वेश्चन है जो रिपीटेड क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट और टेट की हिस्ट्री में ये देखा गया है कि क्वेश्चन रिपीट होते ही है अगला क्वेश्चन है वट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ़ ट्रेड्स तो जो हमारे जीन होते हैं जो हमें हम हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो स्पेशल ट्रेड यहाँ पर इसका मतलब ये है कि स्पेशल कोई करेक्टर डिवेल्प होता है हमारे जैसे हमारे आइस का कलर कैसा है ये डिपेंड करता है हमारे पेरेंट्स पर पे. तो जीन्स जो हमें मिले हैं हमारे पेरेंट्स से उस पर डिपेंड करता है इंटेलिजेंस टेस्ट मेजर्स तो क्या मेज़र करता है परफॉर्मेंस नेक्स्ट क्वेश्चन और फ्रिट बाई नेट ज फेमस फॉर डेवलपिंग जब ओपरिंट कंडीशनिंग थ्री में स्टडी की गई थी वहां पर यह यूज हुआ था वीएफ स्किनर ने जो बॉक्स यूज करा था उसी को स्किनर बॉक्स के नाम से जाना जाता है वट इज स्की तो कंसेप्ट ऑफ स्कीमा गिवन बाय जीन प्याजे स्कीमा होता है कि हमारे पास एक ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन है किसी पर्टिकुलर कंसेप्ट के बारे में जो बाद में अकॉर्डिंग टू टाइम सिचुएशन डेवलपमेंट वो उसमें मॉडिफिकेशन हो सकता है अगला क्वेश्चन हु इज फादर ऑफ थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस होवर्ड गार्डनर इसका आंसर है ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है हु इज फाउंडर ऑफ फर्स्ट लैब जो सबसे पहले लैब बनाई गई थी उसके फाउंडर कौन है ये क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे छोड़ा है बताएंगे आप मुझे और ये कहाँ पे है ये क्वेश्चन ये फर्स्ट लैब है कहाँ पे ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है प्ले वे मैथड वॉज गिवन बाय फ्रॉबेल अगेन रिपीटेड क्वेश्चन प्ले वे मैथड को ही किंडार्टेन मैथड बोलते दो तरीके से प्रश्न पूछा जाता है ये अगला क्वेश्चन सेंसेज आर गेट वेज ऑफ नॉलेज किसने कहा था ये रॉसो ने कहा था वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हु सेट दैट इन्फेंसिस आइडियल पीरियड फॉर लर्निंग तो इन्फेंसिस स्टेज को जो पहली स्टेज है उसको माना गया है कि वो लर्निंग के लिए एक आइडियल पीरियड है किसने बोला है वेलेंटाइन नेम नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए एक टॉपिक आपका मीन मीडियन मोड ये एक छोटा सा टॉपिक है हमने अपनी सीरीज में इसको भी कवर किया है देखे गए हैं मीन मीडियन मोड से क्वेश्चन लेकिन कम ठीक है ज़्यादा नहीं ये वाला क्वेश्चन दो तीन बार रिपीट हुआ है मोड मीडियन एंड मोड कि मोड किसके बराबर होता है थ्री मीडियन माइनस टू थ्री मीडियन माइनस टू मीन मोड इज इक्वल टू नेक्स्ट क्वेश्चन हु सेड इज अ पीरियड ऑफ स्ट्रोम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन स्टेनले हॉल स्टेनले हॉल ने कहा है अगला क्वेश्चन है बाइनेट साइमन इंटेलिजेंस टेस्ट इज रिलेटेड टू ये किससे रिलेटेड है वर्बल टेस्ट है ये इद ईगो एंड सुपर ईगो रिलेटेड टू पर्सनैलिटी ये किन प्रिंसिपल पे बेस्ड होती है यही क्वेश्चन यहाँ से पूछा आता है तो प्रिंसिपल इध बेस्ड होती है प्लेजर प्रिंसिपल पे ईगो बेस्ड होती है रियालिटी प्रिंसिपल पे सुपर ईगो बेस्ड होती है मॉरलिटी प्रिंसिपल पे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगला प्रश्न है थॉन डाइक क्या दिया था इन्होंने ट्रायल एंड एरर थीरी दी, दी थी रिपीटेड क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है हु सेट दैट हेरिडिटी इज टोटल ऑफ इन बोर्न इंडिविजुअल ट्रेट ये किसने कहा था कि जो हेरिडिटी है यानी कि जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिले हैं करेक्टर वो सारे मिला के हेरिडिटी उसे आप बोल रहे हैं वो इन बोर्न इंडिविजुअल ट्रेट है ठीक है तो जो हमें मतलब जन्मजात से ही ट्रेट्स जो मिले हैं करेक्टर ठीक है तो ये कहा है आपका बी एन झा ने ठीक है यहाँ पे ये जे एच ए है झा बी एन छा नेक्स्ट क्वेश्चन कंसेप्ट ऑफ आई क्यू वॉज फर्स्ट गिवन बाय सबसे पहले दिया है अल्फ्रेड बाइनेट ने बाइनेट का वर्क भी आपने जरूर पढ़ना है इंपॉर्टेंट है रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं यहाँ से लर्निंग डिसबिलिटीज इन मोटर स्किल्स उसे हम बोलते हैं डिज प्रेगिया लर्निंग डिसबिलिटी जरूर पढ़ के जाना है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जितनी भी लर्निंग डिसबिलिटीज इंपॉर्टेंट हैं उनको आपने ज़रूर लर्न करना है और ज़्यादातर आपका डिस्कल किया हो गया रीडिंग डिफिकल्टी हो गया मोटर स्किल रिलेटेड हो गया ज़्यादातर ये रिपीटेड क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग तो ये हैं आपके जो आ, मैं अभी आपके लॉ की बात करी थी स्टार्टिंग में लॉ ऑफ रेडीनेस लॉ ऑफ इफेक्ट एंड लॉ ऑफ एक्सरसाइज ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट कंसेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी वॉज गिवन बाय इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये दिए थे जंक नेक्स्ट क्वेश्चन हु एस्टिब्लिश्ड फर्स्ट स्कूल टू एजुकेट द मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन जो मेंटली रिटार्डेड के लिए पहला स्कूल किसने बनाया था स्विकिन ने अगला प्रश्न है हु वॉज द फाउंडर ऑफ बिहेवियरिज्म तो बिहेवियरिज्म स्टडी ऑफ बिहेवियर फादर ऑफ़ बिहेवियरिज्म वॉटसन जे बी वाट्सन ही हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू ग्रोथ से रिलेटेड है मेच्योरिटी से जुड़ी हुई है और एज से जुड़ी हुई है मैं आपको बता दूं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जब भी साइकोलॉजी आप पढ़ते हैं तो सबसे पहला टॉपिक यही आता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे हुए हैं अब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं यहाँ से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे होते हैं बिल्कुल बेसिक सा चार इसकी आपको फेजेस पढ़नी है कुछ एक प्रिंसिपल देखने हैं और कुछ बेसिक कंसेप्ट देखने हैं इसमें बस आपका टॉपिक हो गया मैं आपको बता दूँ एच पी टेट में जो है तकरीबन फिफ्टी प्लस क्वेश्चन अकेले जो है वो यहाँ पे यहाँ से बने हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक तो साइकोलॉजी टारगेट साइकोलॉजी सीरीज में हमने पहला टॉपिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ही कर रखा है और एन में क्या कुछ दिया हुआ इसके बारे में वो भी मैंने आपको बताया है नेक्स्ट है हु सेट दैट साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन नेचर बोरिंग ने कहा है अगर आपको मान लीजिए ये प्लेलिस्ट साइकोलॉजी की नहीं मिलती है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन सॉरी कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगी राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है 2009 ये एक्ट जो है वो किसके लिए था एजुकेशन प्रोवाइड करनी थी स्टूडेंट्स को जिनकी एज जो है छः वर्ष से चौदह तक है और ये फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन कंसेप्ट था नेम द थेरी विच एडवोकेट्स सडन सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम एकदम से सोल्यूशन प्रोवाइड होना इनसाइड थीरी ऑफ लर्निंग में हम देखते हैं इसको लर्निंग डिसबिलिटी विद द कैलकुलेशन कैलकुलेशन में डिफ़िकल्टी है तो उसे हम बोलते हैं डिसकेल्थिया एजुकेशन ऑफ ऑल इन स्कूल फॉर ऑल यानी कि सभी के लिए विद्यालय में सभी के लिए शिक्षा ये टैगलाइन किसके लिए है तो जरा सोचिए जो आपका कंसेप्ट है इंक्लूसिव एजुकेशन का उसमें हम इसको देखते हैं अगला प्रश्न है प्याजे कॉल्ड पीरियड ऑफ इन्फेंसी एज तो सेंसरी मोटर स्टेज में इंफेंसी स्टेज को कोरिलेट किया है अगला क्वेश्चन है हु सेट दैट लर्निंग इज मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट प्रेशन ये ई ए गेट्स ने कहा है आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग इज रिलेटेड टू तो ये डाइवर्जेंट थिंकिंग से जुड़ा हुआ कथन है अगला क्वेश्चन द फैक्टर जी इंस्पियरमेंट्स थीरी टू फैक्टर थ्रीरी वॉज गिवन बाय स्पीयरमैन ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा बार रिपीट हुआ है इसी में इन्होंने दो फैक्टर की बात करी है एस फैक्टर और दूसरा जी फैक्टर जी फैक्टर का मतलब यहाँ पे है जर्नल इंटेलिजेंस और एस फैक्टर का मतलब है यहाँ पे स्पेसिफिक इंटेलिजेंस अगला क्वेश्चन विच ग्लैंड इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड तो जो आपका हेरिडिटी वाला चैप्टर है उसमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें दी हुई हैं जैसे कि हेरिडिटी रिलेटेड क्या है जीन और ग्लैंड वगैरह और वहाँ पे आपका जो क्रोमोजोम्स हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हैं जैसे मेल के अंदर खैर बायो वालों को तो पता ही होता है बाकियों को भी एक्स एक्स क्रोमोजोम होते हैं और मेल में एक्स वाई एक आधा क्वेश्चन यहाँ से आपको क्रोमोजोम से भी पूछा गया है तो मास्टर ग्लैंड बोलते हैं हम पिटुट्री ग्लैंड को हमारे ब्रेन में सिचुएटेड होती है अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड किसे बोलते हैं तो आपका आंसर होगा हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमस अगला क्वेश्चन है आई क्यू जो है कंसेप्ट ऑफ आई क्यू कब दिया गया था उन्नीस सौ बारह में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक दूसरे फिल्टर टू ईच अदर ये फिल्टर है एक दूसरे के लिए अगला क्वेश्चन नेम द प्रोसेस बाय विच प्रेजेंट एक्सपीरियंस ऑफ द व इज नोन प्रेजेंट एक्सपीरियंस आप ले रहे हैं मान लीजिए आप कोई पिक्चर देख रहे हैं या कोई शो देख रहे हैं तो आप परसीव कर रहे हैं परसेप्शन उसे हम कहते हैं गेस्टाल्ट मीन्स गेस्टाल्ट का मतलब है एज अ होल एज अ होल आई क्यू ऑफ अ चाइल्ड इज वन फिफ्टी दैट चाइल्ड विल बी आई क्यू टेबल से क्वेश्चन है ये तो वो क्या होगा एक गिफ्टेड स्टूडेंट या फिर आप बोल सकते हो वो जीनियस होगा या गिफ्टेड स्टूडेंट इस तरह का ऑप्शन में आपको देखने को मिल सकता है क्वेश्चन अगला क्वेश्चन डेवलपमेंट इज अ डैश प्रोसेस कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है अगला क्वेश्चन स्टेज ऑफ टेंशन एंड एंगर किससे जोड़ा गया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अडोलोसेंसे से जोड़ा हुआ है अगला क्वेश्चन डिक्लेरेटिव मेमोरी बिलोंग्स टू देखिए अब जो है मेमोरी वाले क्वेश्चन भी अब दो चार साल से ज़्यादा पूछे जाने लगे हैं मेमोरी टॉपिक ज़रूर पढ़ना है इसमें शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉन्ग टर्म मेमोरी ड्यूरेशन कितना है वो सब इसमें आपको पढ़ना है तो ये टॉपिक भी हमने अपनी सीरीज़ में कवर किया हुआ है यहाँ पे डिक्लेरेटिव मेमोरी आती है लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर और एनसीआरटी में अच्छा खासा एक्सप्लेनेशन इसका है हमने एनसीआर टी टेक्स्ट भी इसमें कवर किया हुआ है रेफर्स टू स्टाइल ऑफ टीचिंग एक दो बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है आपका विच इज नोन एज एथिकल मॉरल आर्म ऑफ पर्सनैलिटी तो सुपर ईगो को बोला जाता है एथिकल आर्म ऑफ पर्सनैलिटी जिरोम ब्रूनर जो थे उन्होंने कौन सी स्टेजेस दी थी कॉग्नेटिव डेवलपमेंट की पहली बात कॉग्नेटिव डेवलपमेंट के लिए इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी तीन इन्होंने स्टेजेस दी थी इनेक्टिव स्टेज आइकॉनिक स्टेज और सिंबॉलिक स्टेज के बारे में इन्होंने बात की थी सिंबॉलिक स्टेज में सिंबल्स का यूज़ करके ज़्यादातर लर्निंग इन आइकॉनिक स्टेज पिक्चर्स से जो है ज़्यादातर स्टडी और इनेक्टिव स्टेज में आप बताएंगे कौन सी जो है वो टूल हेल्प करता है स्टडी करने के लिए या लर्निंग में अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन आंसर मेथड ऑफ टीचिंग वाज गिवन बाय तो ये दिया है सुक्रात्स ने अगला क्वेश्चन मल्टी फैक्टर थीरी ऑफ इंटेलिजेंस मल्टी फैक्टर थीरी ऑफ इंटेलिजेंस दी है दैट दैट वाज गिवन बाय थॉन्डाइक ठीक है और मल्टीपल इंटेलिजेंस दोनों के साथ कंफ्यूज नहीं करना है एक थीरी है आपकी मल्टीपल इंटेलिजेंस थीरी और मल्टी फैक्टर थीरी तो मल्टीपल इंटेलिजेंस आपकी होवार्ड गार्डनर ने दी है और ये दी है आपकी लाइक ने कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस गिवन बाय जीन प्याजे ने दिया है ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हु सेट दैट हु हुट दैट चाइल्ड इज एक्टिव लर्नर तो ये कहा है आपका जीन प्याजे ने अगला क्वेश्चन है सोशियो कल्चरल थियरी वॉज गिवन बाय वाइगॉस्की वाइगॉस्की ने दिया है इसको हु इज फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स तो लैंग्वेज से जुड़ा हुआ क्वेश्चन अगर आपको आता है तो वो चॉम्सकी ने इसके बारे में दिया हुआ है स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट वर्सगी गिवन बाय रॉसो और चार स्टेजेस उन्होंने दी है मैं आपको अभी बताती हूँ उनके बारे में ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला कंसेप्ट हम अभी क्वेश्चन के बाद देखने वाले हैं अगला क्वेश्चन है साइको सोशल डेवलपमेंट थीरी वॉज गिवन बाय एरिक एरिक्सन तो ये हंड्रेड क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के क्वेश्चन अभी मैं आपको बताने वाली हूँ चलिए देखते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से क्वेश्चन तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में डेवलपमेंट के हमारे पास ग्रोथ की चार स्टेजेस हैं पहली है हमारे पास दैट इज प्री स्टेज दूसरी है इन्फेंसी स्टेज तीसरी है चाइल्ड हुड जिसमें लेट चाइल्ड हुड अर्ली चाइल्ड हुड हम पढ़ते हैं और फोर्थ है आपकी अडोलसेंस अडोलसेंस स्टेज प्री नेटल आपकी आ जाती है जब गर्भावस्था में जो बच्चे की ग्रोथ होती है विद इन मदर वूम और इन्फेंसी स्टेज जो आपकी चाइल्ड हुड से पहले बच्चा जब बिल्कुल छोटा होता है और चाइल्ड हुड तो आपको पता है और अडल्ट अडोलसेंस जो है वो अडल्टुड से पहले आ जाती है तो ये चार बेसिक चाइल्ड डेवलपमेंट की स्टेजेस हैं एक्चुअली ये चार तो इनको आप कर लीजिएगा दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी ज़रूर लाइक कीजिएगा वीडियो को और कमेंट uh, सेक्शन में अपने सुझाव भी हमें दीजिएगा कोई टॉपिक पर्टिकुलर अगर आप चाहते हैं साइकोलॉजी रिलेटेड तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ सकते हैं थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग हम मिलते हैं अगली वीडियो में बाय बाय